सब्सक्राइब कीजिए एम्ब्रोज इंडिया को इस रेड बटन को दबाकर और साथ में दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप देख पाएं हमारे वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस। और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं इंग्लिश शादी कराची वाइंस ऑफिशियल। फाइनली जिसका वेट था वो आ चुका है। द टाइम व्हेन वी आर फाइनली रिएक्ट ऑन इंग्लिश शादी। इंग्लिश डेट हो गई, इंग्लिश रिश्ता हो गया, और क्या हो गया, एक दो चीज आई थी ना, दो ही चीज आई थी। हाँ, दो ही। और फाइनली बचा था अब इंग्लिश शादी। तो फाइनली अब इंग्लिश शादी आ चुका है, तो देखते हैं इस वीडियो को, साथ में पहले देख लेते हैं फिर बारे में बात करेंगे। सो हियर वी गो। यार भाइयों, कल शादी है, शादी को इंग्लिश शादी बनाना है, बहुत टेंशन है यार। तू इतनी टेंशन क्यों ले रहा है? तेरी इंग्लिश डेट करवाई, इंग्लिश रिश्ता करवाया, अब इंग्लिश शादी भी करवा देंगे। चिल ब्रो, ये बता प्लान क्या है? यार प्लान सिंपल है, मैंने पूरे खानदान को जुडिशियरी डाउनलोड करवा दिया और मोहल्ले वाले वो सब जो है ना कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। बस तुम लोगों ने काम ये करना है, दबा के पैसे ले होंगे यू डिक्शनरी से। कोऑर्डिनेशन में कैसे रहेंगे यार? आपका भाई हल लेकर आया ना, ये देखो ना, ये ब्लूटूथ डिवाइस, ये लो, अपने गैंग के सारे लौंडों को काम पे लगा दो और बोलना कि कोई अगर कहीं फंस जाए तो व्हाट्सएप पे एक दूसरे कनेक्ट करें और ट्रांसलेट करके हेल्प करें। व्हाट्सएप पे कैसे? अरे यार जुडिशियरी का व्हाट्सएप फीचर तूने ही तो बताया था, याद करो ना। व्हाट्सएप में जाके किसी भी मैसेज को कॉपी करें, यू डिक्शनरी उसे ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा। इसी तरह यू डिक्शनरी पे जाके उर्दू मैसेज टाइप करें और ट्रांसलेट करके सेंड कर दें। डन है बॉस, कल मिलते हैं। आमिर मलिक लड़का ये। अस्सलाम वालेकुम। How are you? अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस कोशिश करना लड़के वाले और लड़की वाले एक टेबल पे ना बैठे। अरे जानी क्या हाल है? इंग्लिश व्हाट्सअप ड्यूड, व्हाट्सअप? व्हाट्सअप तो नहीं आया अंकल, ही इज मशहूर चड्डी बॉक्सर। बॉक्सर। हे व्हाट्सअप। हाय व्हाट्सअप, नथिंग मच, यू टेल व्हाट्सअप इन हियर, नथिंग मच। TikTok, Skype, Facebook, Messenger, Insta, Candy Can, You Dictionary, bro, You Dictionary. हमें भी apps के नाम आते हैं। WhatsApp. WhatsApp. Guys, take your positions. Roger that. Guys, we are in position. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guys. ये टेबल नंबर 6 पे मेरे खाला खालू जो है ना आयशा की कजन के साथ बैठ गए। अबे भाई वो यूएसए से पढ़ के आई है, बैंड बजा के रख देगी, संभालो कोई। मानी तू टेंशन मत ले, मैं कवर करता हूं। कवर करता हूं, यहां मच्छर बहुत है। आर यू मंसूर्स रिलेटिव्स? यस यस, आंट मंसूर्स आंट, एंड आई एम आंट मैन। आंट मैन अंकल रबर बैंड, सॉरी husband band na khujli. So what is your profession? dancing. I do dancing. Dancing. Wow, so do you have a group or something? Yes. chakke four chakke chakke board chakke chakke board. हेलो बेटा। हेलो आंटी, चाय पी लो। नो थैंक्स बेटा। चाय पी लो। हाँ, मेरी लड़की वालों के टेबल पे बैठ गया, मर गए। प्लीज गाइड मी वेयर द रेस्टरूम इज। इतनी सारी इंग्लिश बोल लिया, क्या बोल लिया? रेस्टरूम? रेस्टरूम क्या होता है? चेक कर क्या होता है रेस्टरूम? बेटा वेब साइड आई हूँ। मीडियम फास्ट बॉलर, फर्स्ट बैटिंग फर्स्ट बॉलिंग, मेरी बैट बॉल
बाकी सबकी छित्रोल। So funny बेटा, I meant male side और female side. Male side, female side? ये आंटी ना feminist लग रही है मुझे। आमिर, ये English लोग बहुत feminist होते हैं, तू neutral रहना, ठीक है? Oh, feminist. I can handle this. Figure not. So आंटी, I take no male side, no female side. भाई बीच का, many people, two of me, one abu. Some people, two abu, one of me. But I, only one abu and one of me. 50-50 parents ratio. I feminist. Stupid. ये क्या बोल रहा है? लग गया लसन, पप्पू गुस्से में आ गई. आसिम, report in, report in. आसिम, report in, report in. Guys, I think आसिम जो है लापता हो गया. हम ढूंढते उसको. सलमान, ये समाज में आसिम को देख कर आता हूँ. चल बे अंकल. चल अंकल थोड़ी परी है, परी. Oh my god, you rascals, what do you do, what do you do? Baby shark do 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 do, mummy shark do 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 do, baba shark do 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 do, uncle shark. मेरे पीछे पड़े हुए. मैं तो बोल रहा भाग्य पे छोड़िए शादी वादी. यार तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, वहाँ सब कुछ मिक्स हो गया, किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, जाके संभालो. अबे तो हमें कौन सा आती है यार. तुम लोगों को नहीं लगता मानी की ससुर की शक्ल आमिर से बहुत मिलती है? हाँ तू बात तो सही कर, लेकिन तू इधर उधर क्या देख रहा है? इधर इधर देख, इधर इधर देख. आमिर से. अरे ये लोग तो फंस गए. प्लान बी हजरत, खाना खुल गया. आमिर, दानियाल, कहाँ हो तुम लोग? ये रहे यार. ये तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फंस गए यार हम बुरी तरह. यार ये बताओ खाना इतनी जल्दी क्यों खुल गया? बहुत बड़ा मसला हो गया यार, कुछ मैनेज नहीं हो रहा. यार ये सब तुम लोग के भंडे. खुदा की कसम मेरी शादी में कोई मसला हुआ ना, मैं किसी की शादी नहीं होने दूंगा. भाई ये वाली शादी कर ले यार, दूसरी शादी में ना एकदम बेहतरीन अरेंजमेंट करेंगे. तुम तो चुप करो यार. दूसरी इसकी शादी के चक्कर में हमारी जिंदगी निकल जाएगी यार. पहले इंग्लिश डेट लगवाई, फिर इंग्लिश रिश्ता, फिर इंग्लिश शादी, फिर इंग्लिश हनीमून, फिर इंग्लिश बच्चे, मतलब यही काम रह गया क्या हमारा? मोने ओनु फोन एडकु. ओ मोने ओनु फोन एडकु. ए ए ए वो इंग्लिश लड़की. कौन इंग्लिश लड़की? अबे वो जिससे मेरी फुल वन टू वन स्पीकिंग हुई है. नहीं यार. हाँ यार. वाह यार. चलो बताऊँ तुम लोगों को. ओए होए सीने दी बोटी माय फेवरेट. सीने दी बोटी. मेहरबानी. जॉन सीना की बॉडी माय फेवरेट. We here family. English not matter. English not matter. What matter is love and cake piece. Peace. Love and peace. Love and peace. Yes. What a speech. My damad. Proud of my son. No proud, bhai sahab. Look there. They are helping each other. They cannot speak English. What? Impossible. This is calculus. Ridiculous. Haan, wahi wala lux. Wahi wala lux. Mansoor, tell me truth. You speak English.
or no? Actually, uncle, the thing was a... Sorry, uncle, मुझे English नहीं आती. You cheat on me. Actually, uncle, मैं ना आपको बताने वाला था कि मुझे English नहीं आती, मगर ये मेरे कमीने दोस्त हैं ना, ये सब इनका किया तरह, ये इन्हीं का plan था कि यार इस तरह करेंगे. मेरा कोई कसूर नहीं है. ये शादी cancel. Please, पापा, ऐसा नहीं करें. इंग्लिश तो मुझे भी नहीं आती. अंकल, हमारी सोसाइटी में हमेशा जात और जबान को देख के रिश्ते किए जाते हैं. अब तो कम से कम इंसान देख के रिश्ते बनाना सीख लें. ओके, आई एक्सेप्ट दिस रिश्ता. बट मेरी एक शर्त है. कैसी शर्त? शादी के बाद तो तुम लोग हनीमून भी जाओगे, वहां तुम्हें इंग्लिश भी बोलनी पड़ेगी, यू डिक्शनरी भी डाउनलोड कर ली होगी, लेकिन ये लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे. हनीमून के लिए भी डिक्शनरी. हनीमून डिक्शनरी आएगी अब. नहीं यार, इसलिए वो लोग भाग गए कि यार अब ये नहीं देखना है कि हनीमून भी जरा अपने को ही करवाना पड़ेगा. इंग्लिश हनीमून, इंग्लिश बच्चे. कुछ भी हो सकता है भाई. भाई बहुत सही था यार. और ये बात सही है कि जो नहीं लास्ट में मैसेज अच्छा दिया इन्होंने कि आजकल हम रिश्ते जो बनाने लग गए हैं वो जाति और ऊंच नीच, जाति और लैंग्वेज, इस पे बनाते हैं लैंग्वेज कि भाई यार इंग्लिश आती है तो बंदा भाई टैलेंटेड है, बंदा पढ़ा हुआ है. ये पता नहीं आजकल लोगों को ये है कि इंग्लिश बंदा बोलता है तो उसको टैलेंटेड समझने लग जाता है. ये मैंने देखा है कि अगर मैं जरा दो मिनट इंग्लिश में बात कर लूंगा तो लोग मुझे टैलेंटेड समझने लग जाएंगे कि बंदे में थोड़ा टैलेंट है. ये मेंटेलिटी हो गई, मेंटेलिटी हो गई. और ये मेंटेलिटी हम नहीं फैलाइए कहीं ना कहीं देखा जाए, हम लोगों ने, हम ही लोग ऐसे हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं कि इंग्लिश यार मतलब है. जॉब में जाओ वहाँ इंग्लिश बोलना पड़ती है, जॉब देने जाओ, इंटरव्यू देने जाओ तो वहाँ पे इंग्लिश में प्रैक्टिस करना है. स्कूल में टीचर इंग्लिश 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 सुबह से लेकर शाम तक. ज्यादा तो क्रिकेट प्लेयर्स को ट्रोल किया जाता है इंग्लिश के लिए. मुझे पता है इंडिया में बहुत ट्रोल हुए हैं कुछ हमारे प्लेयर्स, और खास करके पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा ट्रोल हुए हैं इंग्लिश को लेकर. बट दे आर प्लेयर, वो प्लेयर है और उनका काम इंग्लिश बोलना नहीं है, उनका काम मैच खेलना है. तो उन्होंने उनका काम किया है और उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया है मेरे ख्याल से. तो क्या बोलते हैं, बिल्कुल ये तो ऐप चलता है. मेंटेलिटी चेंज करना चाहिए और उम्मीद करता हूँ इसके आज इंग्लिश हनीमून ना जाए. हाँ आ जाए तो अच्छा है यार, हमें तो बहुत मजा आया. सबसे अच्छा पार्ट मुझे इसका ये लगा जब वो बोलते खाना खुल गया. हाँ प्लेन बी, प्लेन बी, खाना खुल गया. बहुत सही था यार. और आमिर मलिक ही स्टोरी लिखते हैं हर बार, वो जो दाढ़ी वाले, और उस बार उन्होंने डबल रोल किया है. बहुत अच्छा लगा, का भी और बाप का भी, फादर का इन लॉ का भी. तो ये बहुत सही लगा मुझे, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगा है. आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है प्लीज यार आप लोग बताइए. और ये मेंटेलिटी चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए ये भी आप प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है. इंग्लिश सीखना ज्यादा जरूरी है क्या? अपनी मेन लैंग्वेज छोड़ना जरूरी है? प्लीज कमेंट करके बताओ. अगर है तो बता दो, नहीं है तो भी बता दो, और किसकी कितनी अहमियत है ये भी बता दो कमेंट करके. और साथ में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन मेक लव नॉट वॉर.